एक हमारा मैंगो फ्लेवर है और एक हमारा वैनिला फ्लेवर है। बात करें इस प्रोडक्ट के बारे में, हमें क्यों ऐसा कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। मेडिकल WHO का कहना है कि सप्लीमेंट एक ऐसी चीज है जो खाने लायक हो, मतलब जो एडिबल हो, जिसको आप खा सकते हैं और जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे, उस चीज को हम सप्लीमेंट कहते हैं। जैसे अगर बात करें, आज ये सप्लीमेंट जो आप सुन रहे हैं ना, वो लास्ट 15 से 20 सालों में ज्यादा आज आप देखेंगे प्रचलन में है या ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन आज से 40-50 साल पहले सप्लीमेंट्स की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती थी। तो आज हमें ऐसा कोई सप्लीमेंट अपने डे टू डे लाइफ में जरूरी क्यों है लाना, उसके भी कुछ कारण है। सबसे पहला एक कारण है कि हमारा जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो बहुत डिप्लीट हो रहा है। किसमें? न्यूट्रिएंट में, उसमें डिप्लीट हो रहा है, मतलब हमारी मिट्टी के जो पौष्टिक तत्व है वो खत्म होते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा पोल्यूशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ गया, आबादी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा खेती हो रही है, आपकी जो मिट्टी है उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है अपने जो न्यूट्रिएंट है, जो उसके पौष्टिक तत्व, उसको रिप्लेनिश करने का, फिर से करने का। तो जब मिट्टी में ही पौष्टिक तत्व नहीं रहेंगे, आप उसमें जो फसल लगा रहे हो, उसमें आप क्रॉप्स लगा रहे हो, उसको अगर अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और वही चीजें तो हम भी खाते हैं, तो अगर हमारे फसल में ही न्यूट्रिशन नहीं होगा क्योंकि मिट्टी में नहीं है, तो हमें ऑटोमेटिकली आज जो चीजें हम खा रहे हैं उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लास्ट कुछ सालों में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जो मार्केट है वो बहुत बड़ा बन गया है और हमें इसलिए आज ये लेने की जरूरत पड़ रही है। दूसरा एक कारण देखा जाता है, बहुत सारी चीजें आज जो आज फल सब्जियां आप ऐसी भी खाते हैं जिसको बहुत लंबे समय से ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, अब जैसे अभी हमारे एरिया में आपको अभी अभी तो ऐसा टाइम आ गया है कि आपको एप्पल ले लो, ऐसे ऐसे फल जो हमारे महाराष्ट्र में बनते मिलते भी नहीं है, यहाँ पे उगते भी नहीं है, वो सारे फ्रूट्स आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। ये कैसे होता है? जहां पे ये फ्रूट्स होते हैं, उगते हैं, वहां पे जब वो हल्का सा कच्चा रहता है तो ही उसको तोड़कर केमिकल में लगाकर उसको रख दिया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहते हैं जब किसी चीज को बहुत लंबे समय तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है वो कम होने लगती है। इसलिए आयुर्वेद में भी बोला जाता है कि आपके एरिया का जो सीजनल फल है, सीजनल फ्रूट्स है, आप वो खाएं तो आपको न्यूट्रिशन मिल पाता है। इसीलिए आज हम खा तो रहे महंगे से महंगे फल, लेकिन हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। फूड प्रोसेसिंग, आपको भी पता है बहुत सारी चीजों को फूड प्रोसेस करके बनाया जाता है। जैसे जब हम गेहूं को आटे में कन्वर्ट करते हैं तो बोला जाता है कि जब गेहूं का आटा बनाया जाता है, जब हम उसका आटा जब बनाते हैं तो 80% उसका जो मैग्नीशियम है, उसका जो जिंक है, वो हट जाता है, डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। आप जब आपने देखा होगा पहले लोग नॉर्मल चावल खाते थे, अभी मार्केट में एक से एक पॉलिश्ड आपको राइस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, एकदम चमकते हैं, एकदम सुंदर लगते हैं वो कुछ कुछ चावल राइस मार्केट में मिलते हैं। कहते हैं जो राइस को बहुत ज्यादा पॉलिश किया जाता है, 75% उसका जिंक और मैग्नीशियम जो होता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम जो खाना खा रहे वो देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा है। इसीलिए अगर बात करें, एक बहुत बड़ा कारण ये भी देखा जाता है, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, अब समझ लीजिए अगर आप जो खाना खा रहे हैं, आपने अच्छा खाना ले लिया, चलो आपने बहुत न्यूट्रिशन वाला खाना ले लिया जिसमें बहुत अच्छा पौष्टिक तत्व है, लेकिन आपका जब पाचन ही सही नहीं है, आपका डाइजेशन प्रोसेस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जब आपका खाना ही अच्छे से नहीं पचेगा तो न्यूट्रिशन आपका शरीर जब ले ही नहीं पाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी होने लगेगी। और बहुत सारे लोग तो अच्छा खाना तो छोड़ो, उनका दिन भर में बहुत ज्यादा जंक होता है या बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं, पिज्जा बर्गर या बाहर का ज्यादा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। तो ये भी एक कारण बन जाता है, कहीं ना कहीं हमें सप्लीमेंट लेने को हम मजबूर होने लगते हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, आपको बता रहे आपने 5 स्ट्रेस में भी मैंने इस चीज में बात किया था। स्ट्रेस की वजह से बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। क्यों होती हैं? कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो कहते हैं हमारे शरीर का कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ऐसी बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिप्लीट होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। इसीलिए जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण बन गया है, इसीलिए कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ रही है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल में एक्चुअली आती तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी मैं बेसिकली आज 3 चीजों के ऊपर बात करूंगी। पहला है अगर आप ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं,
आपको पता है जब हम ज्यादा ड्रिंक करते हैं, ज्यादा दारू वगैरह जो लोग पीते हैं, उनके बॉडी में विटामिन सी जो होता है वो डिप्लीट होने लगता है, कम होने लगता है। और ऐसे लोगों को नॉर्मल लोगों के हिसाब से ज्यादा ही विटामिन सी लेना पड़ता है। जो आप ज्यादा सिगरेट पीते हो तो भी हमारा न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट होता है, न्यूट्रिशनल जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा बढ़ने लगती है। और बोला जाता है चलिए ये सब चीजें तो बहुत कम लोग ले रहे हैं, लेकिन अगर आप दिन भर में ज्यादा चाय भी पी रहे हैं तो कहते हैं आप जो भी अपने खाने में आयरन ले रहे हो उसका शरीर 1/3 ही एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चाय वगैरह भी पीने से बॉडी के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कम होने लगता है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ने लगती है। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है फास्ट फॉरवर्ड लाइफ। आजकल सबके पास हर चीज के लिए टाइम है, बस एक ही चीज के लिए टाइम नहीं है, वो है खाने के लिए। आज हम बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं, और अगर महाराष्ट्र के कल्चर की बात करें यहाँ तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका दिन भर 2-3 वड़ा पाव में ही पूरा दिन कट जाता है। तो इसीलिए हमारे पास खाने में जब हम पौष्टिक तत्व तो नहीं ले पाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में कोई बहुत सारी ऐसी चीजें न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। और बात करें पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आज हमें मजबूर करती हैं कि हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अपनी लाइफ में लेना जरूरी हो जाता है। अगर बात करें तो बोला जाता है एक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, खाने का मतलब क्या है। न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि न्यूट्रिशन का मतलब है खाना जो आपके हर एक सेल, आपको पता है हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों अरबों सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, आपकी पूरी बॉडी करोड़ों सेल से बनी हुई है। उन सब कोशिका को जिंदा रहने के लिए, सेल को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। कहते हैं खाना जब आप अच्छे से खाते हैं तो आपका हेल्थ अच्छा होता है, आपकी ग्रोथ अच्छी होती है, तो खाना उसके लिए भी जरूरी हो जाता है। और तीसरी चीज, आपके बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही खाना अगर हम अच्छे मात्रा में ले और हेल्दी खाएं तो हमें वो अच्छा न्यूट्रिशन बोला जाता है। लेकिन बात करें फूड न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, आप सारे जो मिनरल विटामिन है वो आप राइट क्वांटिटी में खा रहे हो, हेल्दी खाने से खा रहे हो, और राइट कॉम्बिनेशन में खाना, इसको हम गुड न्यूट्रिशन कहते हैं, पौष्टिक तत्व कहते हैं। लेकिन बात करें आज हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जब हमारा पुअर न्यूट्रिशन होता है। इस स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको ये पूरा एक मतलब पूरे प्रोडक्ट का एक सर्वे जैसा है, स्लाइड को मैंने बनाया है वो क्या है। इनिशियली हमें क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें क्या होता है, हमें कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होते हैं। आपको बहुत ज्यादा थकावट होने लगती है बॉडी में, आप वीकनेस फील करते हो, आपको रात में नींद नहीं आती है, बहुत इरिटेशन होता है, आपको किसी चीज पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपको याद नहीं रह रही है चीजें, बहुत सारे बॉडी में हल्का पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, कभी कभी आपको हमेशा कुछ ना कुछ बॉडी में इन्फेक्शन लगा रह रहा है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ एलर्जीज हो रही है। ये सब ना छोटे छोटे सिम्टम्स है। जब ये छोटे छोटे सिम्टम्स हमें स्टार्ट हो जाते हैं पहले तो हम उसको दबाते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है, आपको थोड़ा सा और नींद नहीं आ रही है, आप 2-3 दिन अच्छे से सो नहीं पाए हो, तब हम कहाँ जाते हैं, ट्रेंड फिजिशियंस के पास, मतलब डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, या जो बहुत हाई क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स है ना मार्केट में, अगर बात करें उनका जो पूरा स्टडी है ना उसमें न्यूट्रिशन का कोई चैप्टर ही नहीं है, तो वो न्यूट्रिशन को, पौष्टिक तत्वों को आपके जो प्रॉब्लम है उससे जोड़ नहीं पाते। इसकी वजह से क्या होता है, आपको बहुत सारी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करने लगेंगे, रात में नींद नहीं आ रही है एक काम करो स्लीपिंग पिल्स ले लो, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन है एंटी डिप्रेशन की दवाइयां ले लो, तो वो उसके लिए आपको मेडिसिन लिखना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई में वही चीजें पढ़ी है, उनका चैप्टर न्यूट्रिशन का है ही नहीं। इसीलिए अगर बात करें ये सारी जो दवाइयां हम खाना स्टार्ट कर देते हैं छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है, ये दवाइयां कभी भी आपकी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी जरूरतें हैं उसको पूरा नहीं करती हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मास्क कर देती हैं, उसको बस दबाने का काम करती हैं। और जब उस चीज को हम दबाने लगते हैं, हम अपनी न्यूट्रिशनल चीजों पर ध्यान नहीं देते, तो हमारी एजिंग प्रोसेस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो डीजनरेटिव प्रोसेस है, जो बुढ़ापे का जो प्रोसेस है वो उसको और ज्यादा एक्सलरेट कर देती है, बढ़ा देती है, और बहुत सारी बीमारियों के आने का ये रीजन बन जाता है। लेकिन अगर ज्यादा ही आपकी बॉडी में किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा कमी हो रही है तो आगे चलकर वो हेल्थ बहुत सारे सीरियस इश्यूज को लाना स्टार्ट कर देती है। कुछ डेटा कलेक्ट किए गए, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए गए, बहुत सारे लोगों का सर्वे किया गया, तो उसमें क्या कहा गया, जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने लगती है, चाहे वो प्रोटीन हो, कोई भी विटामिन हो, कोई भी मिनरल हो, कोई भी कैल्शियम आयरन कुछ भी हो, जितने वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कम होने लगती है आपकी बॉडी में बीमारियां जो होती हैं वो उतनी ज्यादा बढ़ने लगती है। इसीलिए अगर बात करें जब हमें फिर
कुछ सालों के बाद डॉक्टर कहते हैं आपको हार्ट डिजीज हो गया, आपको कैंसर हो गया, आपको डायबिटीज हो गया, आपको अर्थराइटिस हो गया, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की प्रॉब्लम हो गई, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, तो हमें लगता है कि अरे यार चलो अब एज की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन याद रखिएगा ये प्रॉब्लम उस दिन स्टार्ट नहीं की हुई है, ये सारी जो प्रॉब्लम है उसको आप कह सकते हैं ये डेफिशिएंसी ड्रिवन कंडीशन है। मतलब किसी चीज की आपकी बॉडी में कमी थी, आपने उस कमी को राइट टाइम पे ट्रीट नहीं किया, तभी जाकर ये प्रॉब्लम बहुत सालों पहले स्टार्ट, लेकिन आज आपको ये बीमारियां नई नई सुनने को मिल रही हैं। इसीलिए अगर बात करें माय फ्रेंड, बोला जाता है इंडिया में 50% जो बच्चे हैं ना उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखी जा रही है, पौष्टिक तत्वों की कमी देखी जा रही है। WHO का कहना है कि 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनमें तो सीरियस बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्वों की कमी देखी जा रही है। वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो लगभग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको उस एज में अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा, न्यूट्रिशन चीजों की कमी हो जा रही है। और बहुत ही शॉकिंग फिगर है वो क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि इंडिया में 53% जो डेथ हो रही है ना, किनकी, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनकी डेथ का कारण क्या है, उनकी डेथ का कारण है अंडर न्यूट्रिशन। मतलब जितना उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए, जब वो नहीं मिल पाते हैं तो 53% बच्चों के डेथ का कारण देखा जा रहा है। जैसा आप इस चार्ट में भी देख सकते हो, निमोनिया की वजह से 20% बच्चों की डेथ हुई, डायरिया की वजह से 15%, लेकिन खाना अच्छा नहीं मिलना या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से 53% बच्चों की डेथ हो रही है। इसीलिए अगर बात करें जो बच्चे कॉलेज गोइंग हैं या उन मतलब 18-20 साल के हैं, लगभग 1200 मिलियन बच्चों में, 120 करोड़ बच्चों में आज ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, जो उनका मेंटल ग्रोथ अच्छा नहीं हो पा रहा है, उनकी हाइट अच्छी नहीं हो पा रही, ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है। इसीलिए यूएन रिपोर्ट का कहना है, यूएन रिपोर्ट कहता है कि आज आपको जो 40% बीमारियां हो रही है, 40% जो बीमारियां आपके बॉडी में हैं, वो किसी ना किसी चीज की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से ही है, किसी ना किसी पौष्टिक तत्वों की कमी के ही वजह से आपकी बॉडी में 40% बीमारियां देखी जाती हैं। इसीलिए एक हेल्दी डाइट का मतलब क्या होता है, हेल्दी डाइट का मतलब है आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, बहुत सारे मिनरल होना चाहिए, आप अच्छे से पानी पीना चाहिए, आपके खाने में फाइबर होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। और ये सारी चीजें हमें किसमें मिलती हैं, ये जो आप राइट साइड पे आप ये फोटो देख रहे हैं, जब आप वेजिटेबल्स भी खाते हैं, बहुत सारी दालें भी खाते हैं, कैल्शियम दूध भी ले रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, ये सारी चीजें जब हम खाते हैं ना तो ही हमें ये सारा चीज मिलना पॉसिबल होता है डे टू डे लाइफ में। इसीलिए हमारे खाने से ये बहुत मुश्किल हो जाता है, सारी चीजें एक साथ आपको नहीं मिल पाती है। लेकिन बात करें, एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक मैंने एक मिनरल लिया जिंक। जिंक की बात करें तो जिंक हमारी बॉडी में प्रोटीन और हमारे डीएनए बनाने में मदद करता है। कहते हैं अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन, आपका अगर बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है तो बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसीलिए अगर बात करें, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसका हेल्दी रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा असर उसके बच्चे पे भी पड़ता है। अगर छोटे बच्चों की भी बॉडी में जिंक की कमी है तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मतलब बच्चे दिमाग से उतने तेज नहीं, बहुत सारे लोगों को आगे चल के डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम देखी जाती है, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं अगर बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है। अब कितना जिंक जरूरी है, कहते हैं अगर एक हेल्दी अडल्ट है तो उसको दिन भर में 11 mg जिंक चाहिए होता है। और 11 mg जिंक आपको किसमें मिलता है, या तो आप पालक खाइए या तो आप मूली जो रेडिश होता है आप उसको खा सकते हैं। लेकिन कितना खाना पड़ेगा कि हमें 11 mg जिंक मिले, तो बोला जाता है 0.8 mg जिंक आपको 100 ग्राम पालक में मिलता है और 0.28 mg जिंक आपको एक 100 ग्राम रेडिश में मिलता है। मतलब अगर आपको 11 mg जिंक चाहिए, 11 mg जिंक चाहिए, तो आपको लगभग 1.5 kg पालक और 4 kg मूली, ये आपको रोज खाना पड़ेगा तो ही आपको ये मिल पाएगा। वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। तो होता क्या है, जब ये जिंक की हमारी बॉडी में कमी होने लगती है तो हमें बॉडी में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बात करें, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी होगी, कुछ लोगों के नाखून बहुत टूटने लगते हैं, बहुत सारे केसेस में प्री मेच्योर मतलब 9 महीने से पहले बच्चों की डिलीवरी हो जाती है, थकावट रहती है, डिप्रेशन रहता है बोलते हैं उसमें, कैल्शियम की कमी देखी जाती है, बहुत सारे लोगों को थकावट रह रही है, चढ़ रहे हैं सीढ़ियां तो सांस में तकलीफ हो रही है, सिर में दर्द रहता है, ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी देखा जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कम एज में उनके बाल सफेद होने लगते हैं, कहते हैं बॉडी में जब फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो ये भी देखा जाता है।
बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस का अटैक या रात में दिखना बंद हो जाता है, स्कर्वी जैसी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा भी कहते हैं, मैडम नाक से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। ब्लीडिंग डिजीजेस भी देखा जाता है अगर आपकी बॉडी में वाइटामिन के की कमी हो जाती है। मतलब क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की अगर कमी होने लगती है तो बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए अगर बात करें, बस जिंक नहीं, जिंक जैसी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है। विटामिन चाहिए, विटामिन B1 2, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी बॉडी में चाहिए होती है। लेकिन एक बैलेंस डोज अगर आप लेते हैं, कंप्लीट न्यूट्रिशन अगर आप लेते हैं, तो सारी चीजें पूरी मिलने लगेंगी। इसीलिए अगर बात करें, हमें यार न्यूट्रिशन की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि वो हमें हेल्दी लाइफ देता है। जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो आप हेल्दी महसूस करते हैं। आप अपने काम को लोग होते हैं, थोड़ा सा भी काम करते थक जाते हैं, कुछ लोग 24 घंटे भी काम करते हैं, उनमें थकावट नहीं हो रही है, वो काम करते रह रहे हैं, तो अच्छा खाना आपको ये भी हेल्प करता है। जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं, वैसे हमारे खाना जो है वो हमारे लिए एक पेट्रोल जैसा काम करता है, डीजल जैसा काम करता है। आप गाड़ी को बहुत अच्छे मेंटेन करो और उसमें डीजल ही ना डालो तो गाड़ी नहीं चलेगी। सेम हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, आपको एक्टिव रखने के लिए खाने की जरूरत होती है, बीमारियों से दूर रहना है तो खाने की जरूरत है। बोला जाता है आपको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, तो बिना एक अच्छे न्यूट्रिशन के लिए, और खाना का मतलब ये नहीं कि बस पेट भरना है, याद रखिएगा, पेट भरने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीजें, हमें ऐसा खाना खाना है जो हमें न्यूट्रिशन दे और पौष्टिक तत्व दे। इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी ने एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम है न्यूट्री लाइफ। और सबसे अच्छी चीज क्या है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी डेली जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है। ये मैंगो फ्लेवर में भी है, तो बच्चों को भी पसंद आता है, जिनको बच्चों मैंगो फ्लेवर में जिनको पसंद है, वेनिला फ्लेवर जिनको पसंद है, तो वो अपने फ्लेवर में ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है जो एनर्जी देता है, प्रोटीन भी मिलता है, बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन को एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, मतलब प्रोटीन बहुत सारी चीजें बनाने में मदद करता है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स सब कुछ जो हमारे खाने से हमें नहीं मिल पा रहा है, वो सारे जो पौष्टिक तत्व है वो हमारा न्यूट्रोलाइफ हमें देता है। और इसको बहुत साइंटिफिकली तरीके से बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, आज से 50 साल पहले की लाइफस्टाइल और अभी की लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए ये साइंटिफिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है जो हमारी डेली डे टू डे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। बात करें, इसमें आप देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में हमें जो भी चीजों की जरूरत है वो सब कुछ इसमें पाया जाता है। तो अगर आप अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं तो आप इसको डे टू डे लाइफ में जब आप ऐड करते हैं तो जो भी आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा करने में हेल्प करता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। याद रखिएगा, हम जब छोटे होते हैं हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो कम होने लगती है। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, आपके अंदर एक एनर्जी रहेगा, आप हमेशा अच्छा फील करेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, उसमें हेल्प करता है। बहुत सारे आपको बैलेंस एक न्यूट्रिशन तो देता ही है, आपकी बॉडी को प्रोटीन का सपोर्ट भी देता है। मतलब आप दिन भर में जो भी खा रहे हैं उसके साथ अगर न्यूट्रोलाइफ आप ऐड करते हैं तो आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशन देने में हेल्प करता है। आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाने में भी मदद करता है, जो आपके क्योंकि आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, बहुत सारी चीजों में ये मदद करता है। और आपकी बॉडी में जो भी विटामिन्स की जरूरत होती है ना, वो जितना भी रिकमेंड किया गया है कितना विटामिन्स जाना चाहिए, वो लगभग सारे विटामिन्स ये आपको प्रोडक्ट देता है। और आपकी बॉडी में बस विटामिन की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे मिनरल्स की भी जरूरत होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम। आपको पता है, हम नॉर्मल लाइफ में इन सारी चीजों को नहीं सुनते, लेकिन आपको नहीं पता कि इन एक भी चीज की अगर बॉडी में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो बहुत सीरियस इश्यूज हमारी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों को ये पूरा करता है। और बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, उनकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती है, तो अगर बच्चों को बचपन में अगर न्यूट्रिशन नहीं दिया जाए, जब उनकी ग्रोथ होने की जरूरत है, जब उनका ग्रोथ हो रहा है, तब अगर उनको पौष्टिक तत्व अच्छा नहीं मिलता है तो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है। जैसे कोई बिल्डिंग जब बन रही होती है उसमें सबसे ज्यादा सीमेंट ईंटे लगते हैं, बनने के बाद अगर कोई रिपेयर का काम है तो थोड़े से ईंटे और सीमेंट से काम चल जाता है, लेकिन जब बिल्डिंग बनती है तो ज्यादा सीमेंट की जरूरत होती है। मतलब जब बच्चे का ग्रोथ हो रहा है तो हमें ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। बहुत सारे लोगों को इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। याद रखिएगा, अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका एक बहुत बड़ा कंडीशन है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की कमी है। तो ये उसको भी हेल्प करता है अच्छा रखने में।
और बहुत सारे लोगों को वीकनेस रहता है, खून की कमी होती है, थकावट महसूस होती है, उसको भी प्रिवेंट करता है। जब आप इसको रेगुलर लेना स्टार्ट करेंगे ना, आपकी स्किन अच्छा होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी आईसाइट अच्छी हो जाती है, और बहुत सारे केसेस में सेक्सुअल फंक्शंस भी लोगों का अच्छा करने में हेल्प करता है। अब ये न्यूट्रोलाइफ किसको देना है? ये जो न्यूट्रोलाइफ है ना, हर एक उम्र के लोगों के लिए है। 4 साल के ऊपर के लोगों को आप दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो मार्केट में बहुत सारे जो हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं, उसके बदले अगर आप न्यूट्रीलाइफ उनकी डे टू डे लाइफ में ऐड करेंगे तो ये उनकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जो अडल्ट है वो उन जब आप रेगुलर इसको अपनी लाइफ में लेते हैं तो आपकी हड्डियों, आपके मसल्स के स्ट्रेंथ को अच्छा रखता है। और जो आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, आप उनको भी दीजिए, उनको एक बैलेंस्ड उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, और बहुत अच्छी चीज, उनके बॉडी का एनर्जी लेवल जो है वो भी बढ़ने में मदद करता है। स्पेशली वो ओन लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, जो वर्किंग लेडीज है, जॉब पे भी जा रही है, घर का भी काम कर रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो उनके हार्मोन लेवल को भी बैलेंस करने में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो जितनी भी लेडीज है ना, ये कंपलसरी अपनी लाइफ में आप जरूर ऐड करिए। और जब भी किसी को हल्की फुल्की कुछ प्रॉब्लम हो ना, बॉडी में वीकनेस हो, कमजोरी हो, रात में नींद नहीं आ रही है, आप न्यूट्रीलाइफ को जो फ्लेवर पसंद है आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड करिए। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आप बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील करेंगे। और लास्ट में, एनीवन हु वांट्स टू लिव हेल्दी, जो भी इंसान अच्छा रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है, एक्टिव रहना चाहता है, स्ट्रेस फ्री रहना चाहता है, तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो इस पे काम करता है। तो ये आप ये समझ सकते हैं एक ओवरऑल प्रोडक्ट है जो हर चीज पे ये हमारी बॉडी में काम करता है। तो इट इज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं, लैक्टेटिंग मदर को भी दे सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों को होने से प्रिवेंट करता है। इट हैज अ प्रोफाइलेक्टिक कंसिक्वेंसेस, मतलब जो भी बीमारी होने वाली है उसको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 40% बीमारियां किसी ना किसी की कमी की वजह से होती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर बात करें एक वंडर फूड आप कह सकते हैं, पूरे परिवार के लिए एक प्रोडक्ट है। अगर किसी घर में जा रहा है ना, तो किसी घर का भी बच्चा, बुजुर्ग, जो भी लेडीज जेंट्स है, सब लोग इस प्रोडक्ट को। इसको लेना कैसे है? दो तरीके से ले सकते हैं, या तो आप गर्म दूध में लीजिए या गर्म पानी में लीजिए। गर्म दूध में भी आप मिलाकर इसको पी सकते हो, गर्म पानी में भी मिला सकते हो। सबसे अच्छी चीज क्या है, इसको आप किसी भी मिल्क शेक में बच्चों को डालकर दे सकते हैं, जूसेस में डालकर दे सकते हैं, कोई सूप बना रहे उसमें डाल सकते हैं। और इसको आप कभी आटे में मिलाकर खाइएगा, आपको चपातियों का टेस्ट ही आपको बहुत चेंज लगेगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप आटे में मिलाकर इसको खा सकते हैं। न्यूट्रीलाइफ को 2 चम्मच लीजिए, और अगर छोटा बच्चा है, 4 साल के ऊपर है, तो 1 स्पून भी देंगे तो चलेगा। और अगर उनसे भी कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको आप 1/2 स्पून ही दीजिए, उससे ज्यादा नहीं देना है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या बॉडी बिल्डर है तो आप 3 चम्मच तक ले सकते हैं, 3 चम्मच एक दिन में लेंगे तो भी चलेगा। तो नाश्ता करने के बाद कभी भी आप इसको ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है कि खाना खाने के पहले, नाश्ता करने के पहले, इस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुगर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है इसमें, आप इसको ऐसे ही ले लीजिए, या तो दूध या तो पानी में आप मिलाकर इसको पी सकते हैं। तो किसी भी तरीके में आप इसको पी सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो बच्चों को हर तरीके से पसंद आता है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, हमारा जो ऑन एंड ऑन का ये प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइफ, इसको FSSAI का सर्टिफिकेशन मिला है, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिला है। तो ये 100% सेफ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी आप ये प्रोडक्ट